वेलकम टू माई क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इफ एनालिसिस को टेकअप करूंगा और वट इफ एनालिसिस के अंदर हम गोल सी की बात करेंगे दिस इज पार्ट नंबर एनलिस मूव करते हैं गोल सी के पार्ट एट की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं ए शॉपकीपर सेल्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन इन दॉलोइंग टेबल एडवाइस हिम एक शॉपकीपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बेचता है उनके नाम यहाँ पर हमें दिए गए हैं उनका प्राइस भी दिया गया है और वो कितनी क्वांटिटी बेच रहा है ये भी दिया गया है लेकिन मिल्क की हमें क्वांटिटी नहीं दी गई फर्स्ट पार्ट के अंदर हाउ मच मिल्क शुड यू सेल टू मेक ए टोटल सेल ऑफ वन लैक फिफ्टी थाउजेंड वेन द मिल्क प्राइस इज रुपीज एटी पर के जी अगर मिल्क का प्राइस एटी रुपीस पर केजी है तो वो कितनी मिल्क की क्वांटिटी को बेचे कि ये टोटल सेल का अमाउंट एक लाख पचास हज़ार हो जाए मैं इस फर्स्ट पार्ट को टेकअप करने के लिए एक डिफरेंट शीट को ले रहा हूँ इस शीट के अंदर मैं इस फर्स्ट पॉइंट को टेकअप कर रहा हूँ इस टेबल के अंदर पांच कॉलम्स दिए गए हैं सीरियल नंबर आइटम प्राइस क्वांटिटी एंड अमाउंट मैं इस अमाउंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ दिस इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी आई प्रेस एंटर। मेरे पास ब्रेड का टोटल अमाउंट निकल कर आ गया मैंने फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया क्योंकि मेरे पास मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है जो मुझे कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर डैश लगा हुआ आया है लेकिन मुझे इन सब का सम करना है तो मैं यहां पर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं सम मैंने ये कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया इंक्लूडिंग द मिल्क अमाउंट आई प्रेस एंटर, मेरे पास एक वैल्यू आ गई एक लाख चौबीस हजार अब शॉपकीपर कितना मिल्क बेचे जिसका रेट एटी रुपीज है कि ये शॉपकीपर की सेल एक लाख चौबीस हजार नहीं बल्कि एक लाख पचास हजार हो जाए वो इसके लिए कितनी मिल्क की क्वांटिटी को बेचे इसके लिए हम गोल टूल को यूज करेंगे आई गो टू डेटा टैब डेटा टैब के अंदर वाट go आ गया हमारे पास यहां पर तीन पैरामीटर्स दिए गए सेट सेल किस पर्टिकुलर सेल को आपने सेट करना है हमें तो ये टोटल अमाउंट वाले सेल को सेट करना है तो मैंने G13 थर्टीन पर क्लिक कर दिया टू वैल्यू इस सेल के अंदर हम क्या वैल्यू चाहते हैं इस सेल के अंदर हम एक लाख पचास हजार वैल्यू चाहते हैं यह वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आप कौन सा सेल चेंज करना चाहते हो तो मैं कहता हूं मुझे क्वांटिटी वाला सेल यहां पर चेंज करना है कितनी क्वांटिटी बेची जाए की कि अकॉर्डिंगली इन सब का टोटल एक लाख पचास हजार हो जाए आई से ओके जैसे मैंने ओके okay किया एक्सेल ने मुझे ये कैलकुलेट करके बता दिया 325 किलोग्राम मिल्क की सेल होगी तब यह सेलर टोटल सेल अपनी एक लाख पचास हजार तक पहुंचा सकता है आई से ओके हमने गोलसी के जिस डायलॉग बॉक्स के अंदर वैल्यूज इनपुट करी थी वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया नाउ आई मूव टू द सेकेंड पार्ट इसके लिए मैं एक अलग शीट को टेकअप कर रहा हूं हूँ इस शीट के अंदर मुझे सेकेंड पॉइंट को टेक अप करना है। इफ द प्राइस ऑफ कम्स टू अपनी सेल को एक लाख साठ हजार रुपए पहुंचाना चाहता है तो वो कितने मिल्क की क्वांटिटी को बेचे अब हमें इस बात को कैलकुलेट करना है इसके लिए मैं अमाउंट वाले सेल के अंदर टू को मैंने क्लिक किया ब्रेड के केस के अंदर मेरे पास सेल अमाउंट पंद्रह हजार आ गया मैंने फिलहाल के जरिए इसको नीचे ड्रैकडाउन कर दिया क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी हमें पता नहीं इसलिए यहां पर डैश है मैं इसका टोटल ले रहा हूं इक्वल स्टू समन सम फंक्शन के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी इंक्लूडिंग द अमाउंट फॉर मिल्क

गोल्ड सी का डायलॉग बॉक्स मेरे पास यहां पर ओपन हो गया यहाँ पर तीन चीजें मुझे बतलानी है सेट सेल मुझे टोटल अमाउंट के सेल को सेट करना है यहां पर मुझे एक लाख साठ हजार की फिगर चाहिए टू वैल्यू इसके अंदर हमें कितनी वैल्यू चाहिए मुझे इसके अंदर एक लाख साठ हजार की वैल्यू चाहिए द थर्ड पॉइंट इज बाय चेंजिंग सेल किस सेल के अंदर चेंज चाहते हो मैं इस क्वांटिटी के अंदर चेंज चाहता हूं आई से ओके जैसे ही मैंने ओके okay किया एक्सेल ने इस चीज को कैलकुलेट करके मुझे 480 एटी के जी का रिजल्ट दे दिया मैंने आपके रेफरेंस के लिए गोल सी का डायलॉग बॉक्स भी दे दिया और गोल सी का स्टेटस बॉक्स भी दे दिया जिसके अंदर यह कैलकुलेशन हुई है सो so स्टूडेंट यहां पर हमारे पास आंसर आ गया 480 हंड्रेड एटी के जी गोल सीक टूल हमें इनपुट्स के बेस के ऊपर आउटपुट को जानने के अंदर हेल्प करता है मैं उम्मीद करूंगा इन दोनों एग्जाम्पल से अब आपको गोल सीक टूल यूज करना बहुत आसान लगेगा थैंक यू वेरी मच